डेली करंट न्यूज में आप ही की खबर है। हिंदी दिवस 2022। हिंदी भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की प्रमुख व महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक है और भारत में इसके सम्मान में एक खास दिन तय किया गया है, वह है 14 सितंबर का। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी सप्ताह या पखवाड़ा या माह का आयोजन किया जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। इस दौरान हिंदी भाषा में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हिंदी दिवस की, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा या राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। इसी उपलक्ष्य में हिंदी दिवस को इस तिथि पर मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। इस दिवस को मनाने के उद्देश्य की बात करें तो उसमें शामिल था देश में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की उपेक्षा को रोकना, कई भाषाओं वाले राष्ट्र में प्रशासन को सरल बनाना और हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में भारत में लगभग 43.6% लोग हिंदी बोलते हैं। वहीं दुनिया भर में 420 मिलियन से अधिक लोग पहली भाषा के रूप में जबकि लगभग 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। हिंदी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अच्छा और सूर्य नमस्कार जैसे कई हिंदी शब्द शामिल किए गए हैं। हिंदी भारत के अलावा नेपाल, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि कई देशों में बोली जाती है। गौरतलब है कि हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी दिवस 2006 में मनाया गया था।